नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। देश में सातवें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होनी है और इस चरण के मतदान का प्रचार समय भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं और अब यहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी कि 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने में क्या है मायने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद अब ध्यान में लीन हो गए हैं। इस समय वो कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में मेडिटेट कर रहे हैं। उस मेडिटेशन का पहला वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पीएम की तरफ से ओमकार का जाप किया जा रहा है। उनकी आंखें बंद है और वो ज्ञान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक इसी तरह ध्यान में रहने वाले हैं। इन 2 दिनों के लिए पीएम की एक खास डाइट भी तैयार की गई है, जिसमें कोई अन्न शामिल नहीं है। जानकारी मिली है कि मेडिटेशन के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल डाइट पर रहने वाले हैं। शरीर हाइड्रेट रखने के लिए वो जरूरत पड़ने पर नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इस ध्यान के वक्त पूरी तरह मौन व्रत धारण करे रहेंगे। उनकी तरफ से किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब पीएम मोदी का ये ध्यान ज्यादा सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि आज से ठीक 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ इसी तरह से 2 दिन तक ध्यान लगाया था। अब उसी कड़ी में, उसी अंदाज में पीएम मोदी भी ध्यान लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भले ही इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से दूर बता रही है, लेकिन विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ध्यान पॉलिटिक्स पर सबसे पहले सीपीआईएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उस पत्र में कहा गया कि मीडिया ऐसे किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण ना करे। पीएम मोदी अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ये उनकी निजी पसंद है। इसका प्रसारण करने से ये चुनाव की बड़ी प्रचार सामग्री बन सकता है। इसी तरह कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी सवाल उठा दिए थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि वोटिंग से 48 घंटे पहले किसी भी तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो साइलेंट हो या फिर कुछ और। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, वो मौन व्रत रखे या कुछ और, लेकिन अप्रत्यक्ष अभियान नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इसे प्रचार संहिता का एक उल्लंघन बता दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए चुनाव आयोग ने ऐसे किसी पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कॉलीग्स मेरे साथ हैं, हम लोग अभी चुनाव आयोग से आए हैं। विभिन्न कंप्लेंट्स थी, मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। वैसे पीएम मोदी का ये अंदाज अब पुराना हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने ऐसे ही कई घंटों का ध्यान लगाया था। भारी भरकम चुनावी प्रचार के बाद शांति के लिए पीएम मोदी तब केदारनाथ की गुफा में चले गए थे।
वहां की भी कई तस्वीरें वायरल हुई थी। आज भी उन पर चर्चा होती दिख जाती है। अब इस कन्याकुमारी कार्यक्रम की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद राख मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। कन्याकुमारी में स्थित जिस शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, और प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं पर मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे। वो पहले भगवती अम्मा मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे और उसके बाद वो ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें कन्याकुमारी से आ रही हैं, उनमें पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछा पहने हुए दिख रहे हैं और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगा रहे हैं और उनके हाथों में एक माला भी है। भाजपा ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने सबसे पहले उगते हुए सूरज को जल चढ़ाया, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माला का जाप किया। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।